झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन बारिया नेता लोबिन हेमब्रम और हेमलाल मुर्मू अखिर चेकाय किन तापाम कना ची बोरियो विधायक लोबिन हेमब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी विरुद्ध चलाव कते राजमहल लोकसभा रे जुदी तिंगुक कना तो सिटिंग एमपी विजय हसदा खेले बिगलेव दड़ी दया और जुदी लोबिन हेमब्रम राजमहल सीट रे तिंगुना तो सीधे उनारना फायदा बीजेपी कैंडिडेट ताला मरंडी नमाय लोकसभा इलेक्शन अडी लोगों की तीगो लगी झारखंड पनोतना संथाल परगनारना राजमहल लोकसभा सीट जहां रे बीजेपी दो आयरन कैंडिडेट तिंगु की दिया ताला मरंडी तो उना तैनम ओंडेना राजनीतिक माहौल नित गरम चबाव खना इदा से महागठबंधन पाटा से कोनी दबे कैंडिडेट दो अवरी को सेलेक्ट पाजे ओंडे राजमहल सीट रे ओकोय तिंगुना सिटिंग एमपी विजय हसदा तिंगुना या एटा नेता ओंडे तो एटा नेता तो कदवर नेता तो हेमलाल मुर्मू के मिनाय विजय हसदा के अलावा दो अलग हेमलाल मुर्मू दो इने जल्दी टिकट दो बाको मैं ज्यादा करना सीट दो जदा से विजय हसदा परफॉर्मेंस अडी मौज बना ओंडे और लगातार बाद दो मना सीट कौन लोकसभा सीट जीत कर कना मेनकन झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन बरिया कदवर और पुराना नेता हेमलाल मुर्मू और लोबिन हेमब्रम तलारे पूरे जबरदस्ती बहसबाजी अडी आयमा दिन खोन नेलनामो कना और नुगिन तलारे जहां तपाम शुरू कना ओना बांग थिरुक कना बोरियो विधायक लोबिन हेमब्रम ओना खोन लाहा तबु नेल कदे आज सरकार विरुद्ध सरकार विरुद्ध गे अडी आयमा ओका आंदोलन चलाव कदाय और जहां को यात्रा को गे कदाय ओना इते हेमलाल मुर्मू अडी गे लोबिन हेमब्रम चितार रंगाव कना तो नोडे आपिन दिसा पिया जे हेमलाल मुर्मू दो पहिल झारखंड मुक्ति मोर्चा आर रिधन लाय फिर उना तेनम भाजपा रे यानी बीजेपी रे चलावना तो वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा रे हेकना तो पहिल हेमलाल मुर्मू अब हसन बो आंजम लगे उडीसी एमएन लोबिन हेमब्रम बखरते फिर उना तेनम आंजम लोबिन हेमब्रम वा जिंदाबाद जिंदाबाद अब उना जे तेन मेन दो नवा कना अब संत तिबुन तहन मा ओका नीत अबुरन असल हिमी कार्य अध्यक्ष हेमंत बाबू जेल मिसिया मिना अब जुदी नोडे पार्टी बन कमजोर किना अब राज महल बन हराए ना हेमंत बाबू बाकू डुक चुए हैं बुझाओ दाते बाकू डुक चुए हैं आ तीन और चार को आदर बुना इनो को बटी बीजेपी खिलाफ इन भाषण दा इनो को भित्री है किन्हीं का अगर उन्हें ये तेज़ में दोकना नवा हुदिस रे कथा दो बकना झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा बन भोटा झारखंड मुक्ति मोर्चा बन दुलड़ा चाहे जहां के कैंडिडेट हो अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बन भोटा और सब सभा बन भोटा नो कथा हो दी थी नो कथा पे तैयार या तो नहीं तो घोषणा हुई ना चुनाव या आप उचित चिकाई तब ना सचिव को हम कहना चाह बंदर को बढ़िया से नचाता है कुछ कार्यकर्ता को विधायक निधि वगैरह दिखा करके अपने तरफ दौड़ाता है और बोलता है क्या कि बीजेपी के तरफ से हम लड़ेंगे बीजेपी की वोट बीजेपी वाला नहीं लेगा उसको बीजेपी वाला उसको बनाएगा वोट कटवा बनाएगा उसको करोड़ों करोड़ रुपया बीजेपी दे रहा है कि तुम आदिवासी वोट होड़ा वोट कटाव में ताकि बीजेपी जीते उना का ना असल कटाते दो आदिवासी आप वोट कटाव में पैसा एंटे हटा कुम झील जम चुकुम हंडी नू चुकुम वोट हटाव में कटाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हरा तो बेनवा झारखंड रे उका धरती लता रे मिना ओन धन संपत्ति नुआ आबू बुन कुंडू दाड़िया बीजेपी आदो नुआ कना असल मकसद दो बीजेपी मिना अपना पांचवे अनुसूची रे बेगोर ग्राम सभा ते बांग हुई वा जहां ना कमी गी मेनखान हुई कना उकाने हुई कना आबूरे नुआ तो खान एमएलए क्षेत्र रे हुई कना लेकिन बोरियो विधायक नहीं बोरियो विधायक तो कैसे कहा जाए चूंकि तो बराबर गिरगिट के जैसे रंग बदल रहा है कभी निर्दलीय बोलता है हम लड़ेंगे कभी बोलता है हम टमाट छाप से लड़ेंगे इसलिए वो कभी बीजेपी का खेल सैम्बल पर भी लड़ने का काफी हम लोगों ने मीडिया के द्वारा ही सुना है
इसलिए वैसे लोगों को बुलाने से तो आएगा भी नहीं, चूंकि सब कुछ वो अलग कर रहा है। 2 तारीख को झारखंड दिवस हम लोग मना रहे हैं दुमका में, तो मना रहा है भोगनाडी में। हम लोग कर रहे हैं न्याय यात्रा, तो वो करता है अन्याय यात्रा। इसलिए वो तो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाला है, इसलिए उसको बुलाना नहीं बुलाना बराबर बात है। क्या पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं? ये तमाम हरकत पार्टी विरोधी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राजमहल लोकसभा में कब प्रत्याशी की घोषणा कर सकते हैं? ये सेंट्रल नेतृत्व का काम है और बहुत देर अब नहीं लगाएगा, हमको लगता है 1 सप्ताह के अंदर हो जाना चाहिए। कितना आश्वस्त है कि तीसरी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से विजय फतह करे? हम लोग तो 100 से ज़्यादा हम लोग को उम्मीद है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस संगठन के जरिए इस किला को फतह करेगा। हमको कोई जानकारी नहीं दिया गया। दूसरी बात है कि जब हम जो मीडिया में उन्होंने बोला है कि हमको बोलता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पहले तो अपना गिरेबान में झाके हो, कितना बार गिरगिट की तरह रंग बदला है उसका दिल लगवा देता है और लोग भी जानते हैं। और बोलता है कि हम लोग मनाए झारखंड दिवस दुमका में, वो मनाया बरहेट में, तो आखिर इतने हजारों लोग जो आए कहाँ से लाए? लोबिन हेमराव का सब परिवार तो नहीं, अपने घर से नहीं आया, पूरे इलाके के लोग, कई हजार लोग थे, 50,000 से कम नहीं थे। तो आज हमको बोलता है पार्टी विरोधी है। हम पार्टी विरोधी कहाँ है पहले सब इसको साबित करें। हम तो पार्टी के हित में बात करते हैं, हर वक्त हमने पार्टी के हित में बात किया है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। और ये शर्म नहीं होने चाहिए इनको कि हमको पार्टी विरोधी बोल रहा है। हम कहाँ पार्टी विरोधी है पहले इसका जवाब तो वो दे, कहाँ पार्टी विरोधी हम काम किए? अगर पार्टी विरोधी काम किए हैं तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया पार्टी? हमको क्यों ही सब कुछ किया? हमको क्यों ही पार्टी से निष्कासित किया गया? ये राजनीति करने चल रहा है अभी यहाँ पर, कितना जगह का पानी पी के आया है और फिर यहाँ पर अभी राजनीति शुरू किया है, वो सब कुछ चलने वाला।